नमस्कार, मैं मंजू रुधियाल और आप सभी का स्वागत है लाइव टीवी समाचार में। बढ़ते हैं आज की खास खबरों की तरफ। कुलपहाड़ महोबा जिले की कुलपहाड़ तहसील के अंतर्गत आने वाले ग्राम सुगीरा व मुडारी में कोटेदार के द्वारा राशन न वितरण किए जाने से आक्रोशित ग्रामीणों ने एसडीएम कुलपहाड़ श्वेता पांडे से शिकायत की। ग्रामीणों का कहना है कि माह जनवरी का राशन मात्र एक दिन ही वितरित किया गया। जब ग्रामीणों ने कोटेदार से राशन वितरण करने के लिए कहा तो कोटेदार ने साइट बंद होने की बात कही। ग्रामीणों का कहना है कि कोटेदार हमेशा यही कहता है कि साइट बंद है। आज कोटेदार की शिकायत करने ग्रामीण एसडीएम कुलपहाड़ की चौखट पर आए। शिकायत करने आए ग्रामीणों में भूपत सिंह, कृष्णकांत ठाकुर दास, ओम प्रकाश, दिनेश कुमार, माता दीन, प्रेम कुमार, संतोष इत्यादि लोग मौजूद थे। ब्यूरो रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मेरा नाम कृष्णकांत सक्सेना है, ग्राम मुढ़ारी की निवासी है। क्या समस्या है आपकी जो आज आप तहसील आए हैं कुलपहाड़? लोगों को खाद्यान्न नहीं मिल रहा है। शासन भले ही फ्री निःशुल्क खाद्यान्न दे रही है, लेकिन हम लोगों को कोटेदारों के द्वारा खाद्यान्न नहीं दिया जा रहा। कोटेदारों से जब आपने संबंध में बात की तो उनका क्या कहना है? कोटेदारों का कहना है कि अब साइट बंद हो चुकी है, अब इस माह का आपको कोई खाद्यान्न नहीं मिलेगा। कहाँ आए हैं आज आप? आज हम कुलपहाड़ तहसील में एसडीएम के पास प्रार्थना पत्र देने आए हैं। क्या नाम है आपका? दिनेश कुमार। आज आप एसडीएम के यहाँ आए हैं, क्या समस्या है? समस्या खाद्यान्न की है, हमको खाद्यान्न नहीं मिला है, एक ही दिन बटा है। किस गांव का मामला? ग्राम मुरारी का, कोटेदार तीन है हमारे यहाँ। हाँ, तो विनोद कुमार के यहाँ हमारा खाद्यान्न मिलता है। तो कोटेदार का क्या कहना है? कोटेदार कहते हैं कि साइट बंद है, इसलिए अब नहीं मिलेगा, जबकि जब आएगा तब मिलेगा दूसरा। कहाँ आए हैं आज आप लोग? कुलपहाड़ तहसील में एसडीएम।